हेलो एवरीवन, मेरे चैनल अनीता कुकिंग एंड ब्लॉगिंग में आपका स्वागत है। आज हम सांभर बनाएंगे। सांभर के लिए सबसे पहले मैंने मसूर की दाल ली है, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। मैं यहाँ अरहर की दाल यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आपको अरहर की दाल से बनाना है तो आप वो यूज़ करें, इससे सांभर में कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं आता। यहाँ मैंने वेजेस कट की हुई है अच्छे से, ड्रम स्टिक, गाजर, लौकी, छोटा साइज़ का बैंगन, दो टमाटर, बीन्स, दो अनियन, सांबर पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, लेमन जूस। यहाँ मैंने कुकर रख दिया है गैस पे। इसमें मैंने 2 ग्लास पानी डाला है। इसमें हम सारी वेजेस डालेंगे, दाल भी डालेंगे। दाल मैंने कुकर में डाल दी है, इसमें हम सारी वेजेस ऐड करेंगे। हमें दाल को पहले बॉईल नहीं करना है। अगर आप अरहर की दाल यूज़ करते हैं तो आप 1 या 2 सीटी पहले अरहर की दाल को बॉईल कर लें, मसूर की दाल में उसके लिए ज़रूरत नहीं है। सारे वेजिटेबल्स डालें। सारी वेजिटेबल्स डाल दिए मैंने। जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड करेंगे। नमक डालेंगे। लाल मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर, थोड़ा सा सांबर पाउडर अभी डालेंगे और थोड़ा बाद में डालेंगे। थोड़ा सांबर पाउडर, थोड़ा सा हम इसमें 2 ड्रॉप ऑयल डालेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे हम। कुकर का ढक्कन लगाएंगे और इसको हम सिम पर 3 सीटी लगाएंगे। सांभर में तड़के के लिए यहाँ मैंने थोड़ी सी चने की दाल, धुली हुई उड़द दाल, कड़ी पत्ता, सरसों के दाने, और मैं तड़का इसमें सरसों के तेल से लगाऊंगी। पहले हमारा सांभर बन जाए, गैस पे रखा हुआ है, उसके बाद हम तड़का तैयार करेंगे।